हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। दोस्तों, जो आपके स्मॉल 3 पॉइंटों के अंतर्गत जो आपकी वर्कशीट चल रही है, तो उसमें आज जो है वो है आपका व्हाट्सअप बेस्ड असाइनमेंट क्लास 12th जियोग्राफी वीक जो है, तो आज का ठीक है ना, 21/7/21/8/2021 का ये जो है आपकी जो है क्विज है, यानी इसका जो है मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता, तो इसका आंसर हो जाओ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आ जाता है कि नगरीय बस्तियों का लक्षण, तो उपरोक्त सभी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक बस्तियों का स्थानीय नाम है, तो ये उपरोक्त सभी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिक्षिप्त बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है पर्वतीय भागों में तथा केरल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि नगरीय बस्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है दोस्तों 75% से अधिक कार्यशील पुरुष प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरों को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो इसका आंसर 6। इसका दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्त स्थान दिया हुआ है, नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को प्रथम वर्ग का नगर कहा गया, तो इसका आंसर 1 लाख से अधिक। तो इसके बाद मैं अब आपको बताऊँगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई डाउट हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट समझना आए, या बोर्ड्स हो या जेई नीट, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर्स लें या फिर उन्हें टाइप करके सबमिट कर दें, और फ्लो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, ये इतना सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इस ऐप को जाकर डाउनलोड करें। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, तो यही तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन जिनका मैंने आपको आंसर बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।